हेलो जी, क्या हाल है जी? कैसे हैं? एक बार फिर आपके आपके लिए मैं अच्छा और ख़स्ता व्लॉग लेके हाज़िर हो चुका हूँ। और आप ये सोच रहे होंगे कि पीछे बड़ी अच्छी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो ये मेरा ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं, और बस अल्लाह की तरफ से और हमारे अब्बू की तरफ से, उनकी नवाजिश की तरफ से हमें ये गवर्नमेंट जॉब मिली। इंशाल्लाह आपको भी किसी दिन अपने दफ्तर का विज़िट करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी मैं दफ्तर नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस टाइम ये मीटिंग रूम में मैं बैठा हूँ और ये बड़ा गंदा सा हुआ अपना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन टूर करवाऊंगा अपने दफ्तर का। और गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब वाले फिर गवर्नमेंट जॉब वाले ही होते हैं, चाहे प्राइवेट वाला जितना मर्जी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले गवर्नमेंट ही होते हैं। ये आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। इंशाल्लाह बने रहें इस व्लॉग में, आपको अच्छा सा व्लॉग मिलेगा। और आप सबसे एक ज़रूरी बात जो मैं अपने व्लॉग में दो तीन वीडियोस में मैंने नहीं की, मैं आप करूँगा कि जो भी वीडियो देखे उसको पूरी देखे और उसको ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, ताकि आप अच्छी अच्छी वीडियो मेरी देख सकें। तो इस व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। तो पूछते हैं कि गवर्नमेंट में क्या काम होता है, गवर्नमेंट में क्या काम होता है, लोग वेले होते हैं, इस तरह नहीं होता। गवर्नमेंट में भी काम होता है, ये नहीं होता कि गवर्नमेंट से मतलब ऑफिस ऐसे चल रहे हैं कि जी कोई काम नहीं होता। बड़े लोगों से सुना है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं जी कोई काम तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं होता। आप देखें, ये एक मीटिंग नोटिस है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ, ये इन सब को जाना है, ये मीटिंग नोटिस ये आप देख रहे होंगे, ये इन सब लोगों को मीटिंग नोटिस जाना होता है, ठीक है। ये आगे पीछे, अब ये हमारे पास होते हैं एड्रेस, ये एड्रेसेज हैं, और भी बहुत एड्रेस होते हैं, ठीक है। अब हमने ये इन्वेलप होता है हमारे पास, जो गवर्नमेंट का इन्वेलप है, ठीक है। ये इन्वेलप के थ्रू हम जो है ना इस पर एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस पूरा लिख के जो है हमारी डिस्पैच की। अच्छा जी, जो दफ्तरी काम होता है वो ये होता है, ये इजी है हमारा जो काम है ना, हर बंदे का अपना अपना काम होता है। लोग मुझे देखना पीछे हंस रहे हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं अपनी वीडियो में बना रहा हूँ, तुम्हें क्या है? पागल हूँ वे के पागल ही हो जाए, बट सब डॉलर है यार, ये काम करने आए हैं दफ्तर में, आप काम करें। ये हमारे व्हाट्सएप, हमारे DR है, ये काम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करते हैं ये काम। अभी ऑफिस में काम, जाहिर बात है काम तो होता ही है ऑफिस में। ये मौलवी साहब बड़ी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मौलवी कह रहा है बड़े जानने वाले हैं मेरे, हैं मौलवी कौन है इतना जानने वाला? काम ख़त्म होने के बाद आपको सारा काम दिखाया। मेरे एक और दोस्त आया, वो कहता जी मुझे भी वीडियो में लो, बड़ा जॉली सा इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा मज़े का इंसान है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? भाई एक महीना इसको बहुत जल्दी आने की, लेकिन जो है ना अभी ये मैंने कहा था ना आपको जॉली इंसान है, ये बड़ा शुक्ल इंसान है, हमारी बड़ी गपशप लगती रहती है। तो अब मौलवी साहब को पहले यही कह रहे हैं मुझे लाओ, तो फिर आप पहले ही सलाम करें, अब आएंगे तो सलाम करेंगे ना जी। मौलवी साहब अब आप सलाम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं? माशाल्लाह, मौलवी का सलाम का भी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त है। प्रोनंसिएशन अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि सलाम हो रहा है। हाँ, ये मौलवी साहब की अच्छी बात है। और मैं नाम बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार। नाम मेरा नाम अब्दुल क्या फैजान है। अच्छा, अपना नाम ही भूल गया यार। अपना नाम ही भूल गया यार। नहीं, वो नाम ही भूला, फिर मैं कुनियत मेरी इराकी अबू अब्दुलादी है, और जो नाम है मेरा फैजान है। अच्छा मौलवी साहब, कहीं से आपने हिफ्ज किया है या कुरान पाक शुरान पाक तराबियाँ भी पढ़ाई हैं? इसमें कोई नहीं। नहीं, मैं सिर्फ कारी हूँ, हाफिज नहीं मैं हूँ, तो हिफ्ज़ नहीं किया हुआ, कुछ कुछ सूरतें याद है। अच्छा, ये जो हमारे मुंह पे नूर आ रहा है ना, ये ना समझना हमारे नूर है, ये फ्लैश लाइट और कैमरे का मजा है। लेकिन मौलवी साहब माशाल्लाह नेक है। मौलवी साहब, हाँ, आपके मोबाइल का कमाल है। मौलवी का हालांकि पहली दफा वीडियो में आ रहा है, कॉन्फिडेंस मौलवी का बहुत अच्छा है। बस टिकटॉक पर कभी कभी लाइव लोगों से बातचीत कर, हाँ, ये टिकटॉक पे लाइव भी आता है, आप जरूर देखना लाइव जो भी। डिस्क्रिप्शन पे भाई अगर लगा दें तो बड़ी मेहरबानी। जरूर जरूर, मैं इंशाल्लाह अपने दोस्त का ज़रूर लगाऊंगा इंशाल्लाह। इनकी लाइव वीडियो आती हैं, लाइव बैठते हैं ये माशाल्लाह, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हाँ, रिकॉर्डेड प्ले कर देता हूँ, अगर मेरा खुद मूड हो तो मैं खुद लोगों को बात करता हूँ। अच्छा, स्पिरिचुअल इश्यूज के बारे में बस। अच्छा अच्छा, ये बड़े अच्छे दाम शाम और ये वो भी करते हैं, ज़रूर इनकी ID पर जाके आप चेक कीजिए। अच्छा जी, मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, आपने मुझे बताना भी है ये कैम, और मैं भी आपको बताऊँगा, ये चेक करें। अच्छा, ये इन्होंने एक गहरा सा कुआं खोदा है, और उसमें इन्होंने ये देखा है कि ये इन्होंने
इधर उधर की दीवारें मेरा ख्याल है टूट ना जाए, उस वजह से इन्होंने ना ये बड़े बड़े वो लगाए हैं, देख रहे हैं आप दीवारों से रोकने के लिए। ये जैसे मेरा तो ये कहना है, बाकी आप कमेंट में मुझे बताइएगा ये किस मकसद के लिए। वैसे मुझे तो यही समझ आता है, ज़बरदस्त। वाओ नवाल, ये आपका पर्स है, ठंडा हो जाएगा सब कुछ। पर्स पकड़ लो। अच्छा जी नवाल, पैचे हैं इसमें, पैचे पैचे वही पैचे वही 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 पैचे। ओए ये क्या किया आपने आप इसके ऊपर? ओए अल्लाह जी नवाल, क्या हुआ है? मट्टी चली गई आंखों में। ओ अल्लाह क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा? लो जी आज स्नूकर खेलने आ गए हैं बड़े दिनों बाद। अच्छा स्नूकर खेलने के बाद हम जो है ना वो बुंदू खां पे आ गए थे, भूख लग रही थी। बुंदू खां का खाना बड़ा मज़ेदार है, मैंने मलाई बोटी मंगवाई थी, ये आप देख सकते हैं मलाई बोटी बहुत मज़े की थी। बुंदू खां का एक लेवल ही अलग है। उसके बाद मैंने तिक्का बोटी मंगवाई थी, तिक्का बोटी भी बहुत मज़ेदार थी, टेस्ट कर किया था। अगर आप जाएँ तो आप इनकी तिक्का और मलाई बोटी लाजमी टेस्ट कीजिएगा, और केचप के साथ तो एक अपना ही मज़ा है। उसके बाद हमने इनकी मटन कढ़ाई मंगवाई थी। मटन कढ़ाई मैं कहता हूँ यार, अगर इसको नंबर दूँ तो मैं 10/10, और उनकी चटनी आ हा, चटनी एक लेवल। लेकिन मज़ा उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है कि उसको इस मटन कढ़ाई को पराठे के साथ खाने का जो मज़ा है ना, एक मैं कहता हूँ लेवल अलग है। बस खाना शाना खा के हम घर को निकल गए थे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।